हेलो दोस्तों, वेलकम टेक्निकल इसरार यूट्यूब चैनल। ये वीडियो सिर्फ उन भाइयों के लिए है जिनका चैनल बिल्कुल ग्रो नहीं हो रहा है, हार गए हैं, थक गए हैं, ये पता नहीं चल पा रहा है कि मैं क्या करूं, और उनका वॉच टाइम भी नहीं बढ़ पा रहा है, सब्सक्राइबर भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, सोच में पड़ गए हैं क्या करूं। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं, अगर ये वीडियो आज आपने पूरी देख ली तो आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जो मैंने खुद इम्प्लीमेंटेशन की है, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन किया, क्या क्या मैंने ट्रिक्स लगाई, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि आप सबको पता है कि हम क्वालिटी वीडियो के साथ विश्वास भी देते हैं। बात करते हैं नंबर वन पॉइंट की। ये पॉइंट आपके लिए काफी जरूरी है। मैं यहाँ पे कुछ आपको स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूँ, बट उससे पहले आपको बता दूं कि मैं वीडियो डालता गया जनवरी के महीने में, 1 जनवरी 2019 में मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था और मैंने लगातार 31 दिन तक वीडियो डाली। उसके बाद फरवरी के महीने में डाली, उसके बाद मार्च के महीने में डालू, और उसके बाद अप्रैल के महीने में, 4 महीने हो गए पर मेरे चैनल का वॉच टाइम कम्प्लीट नहीं हुआ है। फिर मैंने एक ट्रिक यूज करी, वो ट्रिक मैंने क्या यूज करी वो मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी वीडियोस देखिए, जब मैं स्टार्टिंग में मतलब मेरी वीडियो पे कितने व्यूज आते थे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे लिखा है मैंने हाउ टू बुक गैस सिलेंडर, 137 व्यू है। पहले पॉइंट को समझना, जो आपको बात बताऊंगा वो आपको अपने अंदर यहाँ पे फिट करनी है। और भाई ऐसी बात शायद यूट्यूब पे मिले या ना मिले, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल करके ही बताता हूँ। अब देखिए मैंने क्या ट्रिक लगाई आपको। यहाँ पे मैंने एक और वीडियो बनाई, हर यूट्यूबर कहता है लाइक कर दो, उसका क्या मतलब है, वीडियो कितने मिनट की है, 3 मिनट की। उसके बाद मैंने वीडियो बनाई 6 मिनट की, कितना आया वॉच टाइम, सॉरी कितना व्यूज आया, 2800। उसके बाद मैंने 6 मिनट से कम की वीडियो बनाई, कितने है, 258। उसके बाद मैंने 3 मिनट की वीडियो बनाई तो व्यूज और कम हो गए। उसके बाद मैंने 4 मिनट 10 सेकंड की बनाई तो व्यू बढ़ गए। उसके बाद अगली वीडियो बनाई वो 2.48 यानी कि कम मिनट की वीडियो बनाई तो उसपे थोड़ा कम हो गए। फिर उसके बाद मैंने 4 मिनट की बनाई तो इसका मतलब फिर ऊपर और भी व्यू बढ़ गए। अब मैंने ये काम किया, फिर मेरे दिमाग में आया कि यार जो भी मैं वीडियो ज्यादा लंबी बना रहा हूं तो मेरे चैनल पे वॉच टाइम भी आ रहा है और मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं और मेरे व्यूज भी बढ़ रहे हैं। दूसरे एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, एक वीडियो है नीचे की तरफ 5-25 मिनट की, ये वीडियो बनाई जिसमें से यहाँ पे 1500 इस पे व्यूज आ गए। उसके बाद मैंने 1.5 मिनट से भी कम की बना दी, 86 पे रह गए। उसके बाद मैंने 2 मिनट की वीडियो बनाई, 176 रह गए। उसके बाद मैंने 4 मिनट की वीडियो बना दी, यहाँ पे 740 व्यू आ गए। उसके बाद मैंने 6.5 मिनट की वीडियो बना दी, 661 व्यू आए। उसके बाद ऊपर गया, यहाँ पे 2 मिनट 42 सेकंड की वीडियो बनाई, 295 यहाँ पे व्यू रह गए। फिर मैंने और थोड़ी सी वीडियो बढ़ाई तो यहाँ पे आप देख सकते हो 432 व्यू यहाँ पे आ चुके। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब समझे नहीं समझे, अब मैं समझा देता हूँ भाई। अगर आपकी वीडियो 5 मिनट से ज्यादा है तो आपको वॉच टाइम भी मिलेगा, आपको व्यू भी मिलेंगे भाई। यहाँ पे सारा गेम वॉच टाइम का है। अगर आपके वीडियो पे वॉच टाइम ज्यादा आ रहा है तो आपकी वीडियो रेकमेंड भी होगी, आपकी वीडियो दूसरों को सजेस्ट भी करेगी, आपकी वीडियो चलेगी भी। ये चीज आपको याद रखनी है। मैं काम करता गया 3 महीने तक मैं वीडियो पे वीडियो व्यू आंख बंद करके डालता रहा, पर मैंने सोचा यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, सब काम कर रहा हूं, मेरे वॉच टाइम कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है, मेरे व्यूज क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। फिर मैंने एनालाइज किया, मैंने देखा अगर मैं कम मिनट की वीडियो बना रहा हूं तो यहां पे वॉच टाइम कम आ रहा है, व्यूज भी कम आ रहे हैं। अगर मैं ज्यादा मिनट की वीडियो बना रहा हूं तो वॉच टाइम भी ज्यादा आ रहा है और यहां पे व्यूज भी ज्यादा आ रहे हैं, और व्यूज के चक्कर में सब्सक्राइबर भी इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब आपको एक चीज याद रखनी है, YouTube को हम एल्गोरिदम को समझ तो नहीं सकते, पर YouTube पे काम करते 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 कुछ आइडियाज आ जाते हैं। जो मेरे साथ प्रैक्टिकल हुआ है, जो मेरे साथ बीती है, वो मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि कुछ यूट्यूबर ये भी कहेंगे कि 3 मिनट की वीडियो को हम 5 मिनट में क्यों खींचे। भाई अगर आप एक नए यूट्यूबर है ना तो आपको वॉच टाइम की जरूरत होती है। मैं यहाँ पे ओल्ड यूट्यूबर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन बंदों की बात कर रहा हूं जिनका चैनल बिल्कुल ग्रो नहीं हो रहा है और वो ऊपर आना चाहते हैं और उनके व्यूज नहीं बढ़ रहे हैं, वो परेशान हो गए हैं, वो सोचते हैं कि अब हमारा चैनल ग्रो होगा।
अगर आपको 2 मिनट की वीडियो है तो ये बताओ 2 मिनट से किसी को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। और इसमें आपको भी दिक्कत है, क्योंकि अगर आप 2 मिनट की वीडियो बना रहे हैं तो आप 5 मिनट की भी बना सकते हो, टाइम इतना ही लगेगा, थोड़ा ही टाइम का फर्क रहता है, इतना ही टाइम लगेगा आपको, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं यहाँ से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप एक नए यूट्यूबर है तो आपको वॉच टाइम लाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ है कि यूट्यूब जो काम कर रहा है वो वॉच टाइम के ऊपर कर रहा है। अगर आपकी वीडियो पर वॉच टाइम ज्यादा आएगा तो आपकी वीडियो ऊपर की तरफ आएगी, चाहे वो रैंकिंग लगा लो, चाहे वो SEO लगा लो। तो इसका मतलब है कि ज्यादातर आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो 5 मिनट से ऊपर बनाऊंगा। और यहाँ पे ये चीज भी याद रखनी है आपको, अगर आप एक नए यूट्यूबर है तो 8 या 10 मिनट से ऊपर भी वीडियो मत बनाओ। आपको सिर्फ टारगेट रखना है 5 मिनट से लेके 10 मिनट के बीच में आपको वीडियो बनानी है। साथ ही साथ आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप 3 मिनट की वीडियो बनाएंगे तो ज्यादातर यूट्यूबर आपको 1.5 मिनट तक देख के चले जाएंगे। अगर आप उसी वीडियो को 10 मिनट की वीडियो बनाओगे तो यूट्यूबर आपको 3 मिनट तो देख के ही जाएंगे। तो आप ये बताइए कि 3 मिनट की वीडियो बनाने में फायदा है या 10 मिनट की वीडियो बनाने में फायदा है? हालांकि कई नए यूट्यूबर को ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी चाहिए, आपको सिमट देनी चाहिए 7-8 या फिर क्या नाम 6, इस पे आपको फोकस करना है। इतने मैं भी, मेरी जनरली जो वीडियो होती है वो 6 मिनट से ऊपर की होती है। तो इसी तरह आप भी अपने YouTube चैनल पे आज से 6 मिनट से ज्यादा वीडियो आप बनाइए। और साथ ही साथ आपको एक फॉर्मूला और याद रखना है कि आपको काम करना है, आपको डेली वीडियो डालनी है। वो टाइम सिर्फ एक ही चीज से आ सकता है, वो सिर्फ वीडियो से आ सकता है। अगर आप 10 वीडियो डाल के बैठ जाओगे तो जरूरी नहीं है कि उनसे वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप डेली वीडियो डालोगे, 2 दिन में वीडियो डालोगे, तो आपका वॉच टाइम जल्दी ही कंप्लीट होगा। जो बंदा ज्यादा वीडियो डालेगा, जो बंदा अच्छे से मेहनत करेगा, जो बंदा ज्यादा लंबी वीडियो बनाएगा, उसी का चैनल ग्रो भी होता है और उसी का चैनल पे ज्यादा वॉच टाइम भी होता है। यूट्यूब की जो एल्गोरिदम है वो पता नहीं कितनी बार डेली मतलब चेंज होती है, मंथ में, हफ्ते में कितनी बार चेंज होती है, पर एक चीज जरूर है कि लंबी वीडियो अगर आप बनाओगे तो आपका वॉच टाइम 101% ग्रो होगा और इंक्रीज होगा, मतलब और आपका चैनल भी ग्रो होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद दोस्तों।